आज जो हम सब्जी बनाने वाले हैं उस सब्जी में छुपे फायदे के बारे में आज हम बात करेंगे। मटर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है। वो हमारे शरीर का वजन कम करने में हमारी मदद करता है। वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। वो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। वो हमें आर्थराइटिस में भी बहुत लाभदायी है। डायबिटीज़ के दर्दी को इसका बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। मेथी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्तचाप में सुधार करने में असरदार है। मेथी के सेवन से हृदय संबंधित बीमारियों के जोखिम कम हो सकते हैं। मेथी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। मेथी वेट लॉस में भी मदद करती है। मेथी में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, टोटल लिपिड, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स आदि तत्व पाए जाते हैं। डेली 500 ml दूध का सेवन करना चाहिए। दूध से हमें एनर्जी मिलती है। दूध हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जैसे कि B12, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी और फॉस्फरस। ये रेसिपी में ये सब चीज़ें यूज़ की है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते ही होटल वाली फीलिंग आ रही है ना? चलो घर पे ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकास किचन। आज हम मेथी मटर मलाई बनाने वाले हैं। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे ऑन कर दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हमारा तेल अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें 8 से 9 काजू डालेंगे। फिर हम इसमें 2 कटी हुई प्याज डालेंगे। फिर 1 हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे। हम इसे मीडियम हाई पे चलाएंगे, ज़्यादा धीमा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑनियन को अच्छे से सेकना है। प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन होने देना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। गोल्डन ब्राउन होने से सब्जी में इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। प्याज धीरे धीरे तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 3 टमाटर काट के रखे हैं। आपको इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बड़े होंगे तो भी चलेगा। एक साइड पर हम टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। एक वेसल में मैंने पानी लिया है। अब हम इसमें मटर को बॉईल करेंगे। इसमें मैं 1 कटोरी मटर डाल रही हूँ, थोड़ी सी चीनी। चीनी के साथ जाएगा थोड़ा सा नमक। फिर इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये साइड पर बॉईल हो रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे। अभी देर है, टमाटर थोड़े थोड़े गल रहे हैं। अब हमें मसाले को भी भूनना है, तो हम मसाले में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे टमाटर और ओनियन के साथ भुनने देंगे। मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे। ये कढ़ाई गरम है तो हम इसमें एक कटोरी मेथी जो मैंने बारीक काट के रखी है वो रोस्ट कर देंगे। इसमें अलग से कोई तेल डालने की जरूरत नहीं है, जो कढ़ाई में है तेल लगा हुआ है उसी में ही मेथी रोस्ट हो जाएगी। मेथी भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। इसको भी हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मेथी मैंने बाउल में निकाल दी है, इस साइड मटर भी हमारे उबल के रेडी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मटर को एक छन्नी में निकाल देंगे। ये हमारा मिक्सर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसकी पेस्ट बना देंगे। पेस्ट अच्छे से बन के रेडी हो गई है, अब हम एक लोई में घी और तेल का मिश्रण डालेंगे। पैन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दी है, अब हम इसमें 3 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। दो चम्मच घी डालेंगे। हमारा तेल हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। एक काली इलायची डालेंगे। अच्छे से इसको सेकेंगे। काली इलायची का टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी को हमें अच्छा उबाल आने देना है। इसका उबाल अच्छे से आ रहा है। 2-3 उबाल आने के बाद हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे जो हमने पहले रोस्ट करके रखी थी। फिर जो हमने छन्नी में मटर निकाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आपको बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डाला था और मटर को भी मटर में भी डाला है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। इतनी बढ़िया और अच्छी सब्जी लग रही है, अभी और भी ये अच्छी लगेगी। इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी मलाई। हो गई ना तैयार हमारी होटलों वाली मेथी मटर मलाई। घर पे इतनी जल्दी और इतने सस्ते दामों में आप ये सब्जी बना सकते हो। फिर हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे।